नवीन भाई आज के बारे में बताइए। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन सब अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं जिनकी शहादत की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन हम सबको उन सब वीरों को नमन करना है जिनका इतिहास में नाम है, जिनका इतिहास में नाम नहीं भी है। मैं उन सब सैनिकों को भी नमन करता हूँ, उनके परिवारों को भी नमन करता हूँ जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपना सर्वस्व लगा रखा है। दोस्तों, आज पूरा भारत देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, सशक्त हाथों में और देश के विकास के लिए, देश में आम जन के गरीब कल्याण के लिए गुड गवर्नेंस के तौर पर बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए गए हैं। और हम बहुत खुशी भी मना रहे हैं कि इसी वर्ष रामलला भी अयोध्या के राम मंदिर में आए हैं। तो हम सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं बाबा साहब को भी नमन करता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा संविधान हमारे देश के लिए लिखा। हमें हर जगह जाने आने की आज़ादी है, अपनी बातों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन साथ ही साथ हम सब अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमें अपनी छोटी छोटी ड्यूटीज़ का पालन करके हम एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का नियम पालन करने की बात हो, चाहे सफाई रखने की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की बात हो। हमें चिंता करनी है कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के बिना ना रह जाए। हमें चिंता करनी है कि हर घर में रोज़गार कैसे दे पाएँ। हमें चिंता करनी है कि हमारे गुरुग्राम को, हमारे शहर को, हमारे हरियाणा को, हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आगे लेकर के जाएं। और मैं आज RWA न्यू कॉलोनी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। अदिति जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी और आज पूरे गुरुग्राम के अंदर भी इस आज़ादी का जश्न मन रहा है। गणतंत्र दिवस की दोबारा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा भाजपा में नई जिम्मेदारी आपको मिली है, 50 नगरी का सह प्रमुख आपको बनाया गया है, किस तरह देखते हैं आप और कितना मजबूत आप पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम तो सब एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, हमेशा सभी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं। कोई भी जिम्मेदारी मिले, हम उस जिम्मेदारी के लिए हमेशा पूरा प्रयास करते हैं कि उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। ये सब हमारे दोस्तों की, बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे साथियों की ब्लेसिंग्स हैं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नायब सैनी जी, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी ड्यूटी दी और आगे भी देंगे उसको पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से और मेरिट पर निभाएंगे। देश में संकल्प यात्रा चल रही है, हरियाणा और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो नंबर वन पे है, तो कैसे देखते हैं इसको? आज पूरा देश मोदी में हो गया है, आज पूरा देश राम में हो गया है। हमारे देश को लगातार बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमारे देश को मिल रही हैं। आज कोई भी मानता हूँ कि एक तरफा सा माहौल बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों से ऊपर मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में आने वाली NDA गठबंधन की, और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि लोगों को एक विश्वास है आदरणीय मोदी जी के ऊपर। हमारा जो विकसित भारत का सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो विकसित यात्रा चल रही है, विकसित भारत यात्रा, उसका भी बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, जानकारियाँ मिल रही हैं, लोग उसका बहुत तगड़ा स्वागत कर रहे हैं। और सारी बातों की एक ही तोड़ है, जय श्री राम और मोदी की गारंटी, विकसित भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।